দেখা আমি আমার মুখ ফুল ফুল ফুড়িয়া তো ঘর পেই ছিলেঙ্গে চলো চলো ঘর পে চলো ভাই ইধর দেখো আলে ये रहा हमारा अखरोट का पेड़। इसको देखो चिपक चिपक के जा रहा है यहाँ पर से, लेकिन नहीं चढ़ पा रहा। अभी देखो खाना बना ही रहे थे तो बारिश आने लग गई है। अचानक आई हुई बारिश ने लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ करनियाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो आज हम जा रहे हैं अखरोट तोड़ने के लिए और आज छोटे बच्चों की जो है ना वो स्कूल की छुट्टी है, तो सभी छोटे बच्चों को भी ले जाता हूँ, उससे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी मेरी अखरोट तोड़ने में। सुनकी सुनकी ओए, चलो ये देखो सुनकी आ गया, चल आज अखरोट तोड़ने चलते हैं। चल रहे ना, ऐसे करे कि उधर जो टक्की है ना उसको भी बुला के लिया जा, सभी चलेंगे अखरोट तोड़ने के लिए। अरे वाह, ओए तम्मी भी आ गया, धुन्नी भी आ गया, सभी के सभी आ गए। चलो सबसे पहले तो तुम अपना इंट्रो दो, फिर बताता हूँ मैं क्या करते हैं। तेरा नाम क्या है? प्रतीक। प्रीतम। गौरव। गौतम। और घर वाले नाम क्या है तुम्हारे? सुनका। धुन्नी। टक्की। गौतम। गौतम ही है तेरा नाम। चलो आज हमें जाना है अखरोट तोड़ने के लिए। ये रहा देखो हमारा अखरोट का पेड़, और नीचे जाने के लिए ना ये है रास्ता, जो कि काफ़ी जो है इधर घास और कंडेली वगैरह हो रखी है, तो सबसे पहले तो इसे ही साफ करना पड़ेगा हमें। दराती किसके पास है? टक्की के पास। चलो टक्की ये दराती मेरे पास दे, मैं साफ करते करते जाता हूँ। ये रहा हमारा अखरोट का पेड़ जिस पर थोड़े बहुत अखरोट हो रखे हैं। थोड़े बहुत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो है ना वो तो बंदरों का काफ़ी आतंक है। अरे वाह कुछ अखरोट देखो टक्की को मिल गए। टक्की दिखा भाई अखरोट। देखो एक कटल लग गया। कितने अच्छे देखो, कितने अच्छे हो रखे हैं अभी। सीधे जो है हाथ से ही इनका भार का कवर होता है ना जो, वो निकलता जा रहा है, आसानी से छिले जा रहे हैं। सही है। जब तक मैं सफाई कर रहा था इनकी अलग ही अपनी एक मस्ती चल रही थी। और धुन्नी तो देखो ऊपर पेड़ पे भी चढ़ गया आराम आराम से। धुन्नी गिरना मत भाई। इसको देखो चिपक चिपक के जा रहा है यहाँ पर से, लेकिन नहीं चढ़ पा रहा। ए चलो ओए अब रहने दे। चल तो गाइस ये चल ही नहीं पा रहे, पकड़ लिया भाई ने, ये उतार लिया और दूसरा उतार रहा है। चढ़ने के लिए किसने बोला तुझे ऊपर? धुन्नी तो आ गया खुद ही यार। अब है भाई की चढ़ने की बारी, और भाई जाएगा पेड़ में, नीचे पकड़ेंगे हम अखरोट। बस देखते रहना अखरोट, क्योंकि खो जाएंगे, इतनी सारी कंडेली हो रखी है ना भाई, चारों तरफ। साफ तो मैंने ज्यादा नहीं कर रखा, थोड़ा थोड़ा ही साफ कर रखा है। और यहाँ पर से मैं चढ़ जाता हूँ पेड़ पर अखरोट तोड़ने के लिए। नीचे जितने भी अखरोट गिर रहे थे ये छोटे बच्चे उन्हें उठाकर थैले में डाले जा रहे थे, और मैं ऊपर से अखरोट जो है ना वो तोड़ते जा रहा था। जितने भी अखरोट हो रखे हैं वो बिल्कुल ही टॉप पर हो रखे हैं, और यहाँ से जो है ना इन्हें तोड़ना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। नीचे जा। साथ ही साथ मुझे कुछ टहनियाँ भी काटनी पड़ी जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर जा रही थी, और उनसे अखरोट तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था।
अभी हमने जो है ना वो सारे अखरोट तोड़ दिए हैं और जो नीचे गिरे थे ना अखरोट वो भी उठा लिए हैं, लेकिन कुछ अखरोट जो है ना वो नीचे रौले चले गए और ये दोनों जो है ना वो ला नहीं पाए नीचे से। क्यों नहीं ला पाए भाई? नीचे जो है ना वो बहुत ज्यादा कीचड़ ही कीचड़ हो रखा था यार, इसीलिए जो है ना वो नीचे वाले अखरोट रहने देते हैं। भाई किसके मुंह पे लिया? दिखा तो मुंह, दिखा अपना। चल टक्के अखरोट दिखा पहले तू, कितने अखरोट हैं भाई? वाला 200। 200 नहीं होंगे यार, 200 तो नहीं होंगे, कम ही अखरोट हैं यार, काफ़ी है। लेकिन इतने भी यार इनके छिग्गल जो है ना वो कितने आसानी से निकलते हैं, देखो देखा है, मैं मुंह फूड़ी है। एक बारी फिर से, एक बारी फिर से, दूसरा वाला अखरोट सिर्फ देखा। नहीं भाई, भाई फूटने नहीं अबे। ओए फोड़ दिया, फोड़ दिया भाई। सुनकी ने भी निकाल दिया। अरे यार अखरोट था, चलियो मैं। चलो भाई इनको घर पे ही छिलेंगे, चलो चलो घर पे चलो। भाई इधर देखो। अल साइकिल चले को फोड़ से चलो फोड़ दो। ए अखरोट नहीं डाले इन्होंने। यहाँ चले गए सारे अखरोट और यहाँ जो है ना वो काफी बड़ी बड़ी कंडाली हो रखी है और इस कंडाली को जो है ना हम काट भी नहीं सकते क्योंकि ये किसी और की है, फिर वो गाली देते हैं बाद में, इससे अच्छा उन अखरोटों को वहीं रहने देते हैं। अभी हम आ चुके हैं घर और सबसे पहले मैं अपने दुकान वाले कमरे में आया और ये रही देखो हमारी छोटी सी दुकान। और जो छोटे बच्चे मेरे साथ अखरोट तोड़ने आए थे ना उनके लिए अब मैं बना रहा हूँ नींबू पानी। मम्मी भी आ चुकी है खेत से और अभी मैं ऐसे करता हूँ कि खाना बना लेता हूँ। अभी मैंने चावल बनाने के लिए रख दिए हैं चूल्हे पर और खाने में बनेगा कढ़ी और चावल, और चावल तो मैंने चढ़ा दिए हैं और कढ़ी जो है ना मम्मी बनाती है बहुत ही टेस्टी वाली, तो कढ़ी को जो है ना वो मम्मी के हवाले छोड़ देते हैं। अभी देखो खाना बना ही रहे थे तो बारिश आने लग गई है। अचानक आई हुई बारिश ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया और लोगों ने ना काफ़ी चीज़ें धूप में सुखाने के लिए रख रखी थी, लेकिन अचानक से बारिश आने के कारण सारी चीज़ें जो है ना वो जल्दी जल्दी बाजी में संभालना पड़ा सभी को। काफ़ी देर बारिश होने के बाद अब बारिश बंद हो चुकी है और अब मैं वीडियो एडिट करने लग गया हूँ। तो फ्रेंड्स अब इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।